जिले में आज कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के जराये ने बताया कि आज यानी 25 जून को रायचूर जिले में कोरोना का कोई नया पेशेंट या नया मामला सामने नहीं आया। जराये ने मजीद बताया कि आज जिला इंतजामिया को 130 रिपोर्टें मौसूल हुई जो सारी की सारी नेगेटिव रही। अभी 1326 रिपोर्ट्स आना बाकी है। जिले में कोरोना को रोकने के लिए सारी एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। मास्क वगैरह लगाने के लिए भी आवाम को हिदायतें जारी की जा रही हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी हिदायतें दी गई हैं। 27 जून को केम्पेगौड़ा जयंती का इनेकाद होगा। महकुमा कन्नड़ एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने बताया कि 27 जून को केम्पेगौड़ा जयंती का सादगी से इनेकाद अमल में लाया जाएगा। डिपार्टमेंट के जराये ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से हर साल की तरह इस बार कोई हंगामा खैज जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, बल्कि केम्पेगौड़ा की जयंती सादगी से कन्नड़ा और कल्चर डिपार्टमेंट के दफ्तर में मनाई जाएगी। RRT मामला तालुका सतह पर हल करने की हिदायत। तमाम तहसीलदारों को RRT मामला यानी रेवेन्यू जुडिशरी मामला को तालुका सतह पर बैठक के जरिए हल करने की हिदायत दी गई है। चूंकि कोरोना की वजह से और काम ज्यादा होने की वजह से सारे मामला पे तवज्जो नहीं दी जा सकती, इसलिए लिहाजा जो भी RRT मामला है उनके लिए बैठक बुलाकर तालुका सतह पर हल कर लिया जाए। आज बैनुल अक्वामी इंसदाद ड्रग्स डे का इनेकाद अमल में आया। बैनुल अक्वामी सतह पर इंसदाद ड्रग्स और ड्रग्स को गैरकानूनी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकल करने के खिलाफ यौम आलमी दिन मनाया गया। आज सुबह 10:30 बजे इस तकरीब की सादगी से इनेकाद अमल में लाई गई। आज जिले में SSLC के इम्तहान मुनाकिद किए गए। आज जुमेरात के दिन सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर मुनाकिद किया गया था। जिले में कुल 27,544 तलबा ने इम्तहान के लिए रजिस्टर करवाया था, जिनमें से 26,137 तलबा आज इम्तहान में हाजिर रहे, जबकि 1,407 तलबा गैर हाजिर रहे। और पूरे जिले में कहीं पर भी डिबायर होने या फिर गैर कानूनी सरगर्मियों की कोई वाकया पेश नहीं आया।